हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल राइज एंड शाइन। आज मैं बात करूंगी एलोवेरा जेल के बेनिफिट्स के बारे में। एलोवेरा जेल को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत तो नहीं है, ये मैजिक की तरह काम करता है। लेकिन ये मैजिक की तरह तभी काम करता है जब हम इसको अपनी लाइफ में मेन इंग्रेडिएंट की तरह यूज़ करते हैं। हम लोग कुछ टाइम तक तो इसको यूज़ करते हैं, फिर इसके बेनिफिट हमें देखने को नहीं मिलते तो हम इसको छोड़ देते हैं। ये बेनिफिट देता है बट ये देने में टाइम लगाता है, तो हम इसको मेन इंग्रेडिएंट की तरह यूज़ करेंगे तभी हमें इसके बेनिफिट मिलेंगे। मुझे जो पर्सनली बेनिफिट मिले हैं मैं वही बेनिफिट आप लोगों के सामने शेयर करूंगी। मैं इसको फेस पे भी यूज़ करना पसंद करती हूँ और बालों पे भी यूज़ करना पसंद करती हूँ। मेरे बालों की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स इसने सॉल्व करी हैं। मैं पर्सनली जिस एलोवेरा जेल को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हूँ वही आप लोगों के सामने शेयर करना पसंद करूंगी। मेरा जो फेवरेट है वो है पतंजलि का एलोवेरा जेल। ये इजी टू कैरी भी है, प्राइस वाइज भी काफ़ी अच्छा है, हाइजीनिक भी है, कन्वीनियंट भी है। मैं इसकी काफ़ी ज़्यादा ट्यूब यूज़ करती हूँ, ये भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है क्योंकि मैं इसको अपने फेस पे और हेयर पे दोनों पे अप्लाई करती हूँ। क्वांटिटी वाइज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये। अब मैं इसके बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेती हूँ कि कौन कौन से बेनिफिट ये हमें प्रोवाइड करता है, या मुझे सच में जो जो बेनिफिट्स मिले हैं इससे वही बेनिफिट्स मैं आपको बताऊँगी। मैं हेयर से रिलेटेड जितने भी बेनिफिट्स मुझे मिले हैं पर्सनली मैं उन चीज़ों को ही आप लोगों के सामने शेयर करूँगी। बातें तो बहुत सारी हो गई हैं, अब इन बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि एलोवेरा जेल हमें कौन कौन से बेनिफिट देता है। एनहेंस हेयर ग्रोथ, ग्रोथ को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। बालों की ग्रोथ जितनी लंबी होती है वो उतनी ही अच्छी लगती है। कौन नहीं चाहता कि किसके लंबे बाल ना हो, तो हमें अपने ऑयलिंग के प्रोसेस में एलोवेरा जेल को ऐड करना चाहिए। एलोवेरा जेल में ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारी हेयर ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा हमें मदद करती है। डेंड्रफ, डेंड्रफ को हटाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। हम एलोवेरा जेल में अगर लेमन ऐड करके भी दोनों को लगाएं ना तो काफ़ी ज़्यादा हद तक डेंड्रफ कम हो सकता है। शाइन प्रोवाइड करता है एलोवेरा जेल, शाइन प्रोवाइड करता है। कुछ नहीं करना है, एलोवेरा जेल की कुछ ड्रॉप्स लेके अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग हम इसको अप्लाई कर सकते हैं और फिर इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें वॉश आउट ही करना है, नहीं, हम इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। पीएच बैलेंस, हमारी स्कैल्प पे एक पीएच बैलेंस होता है, उसको मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। अगर हमारी स्कैल्प भी अच्छी नहीं होगी तो हमारे हेयर से प्रॉब्लम बहुत सारी बढ़ जाएंगी और हेयर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमारे स्कैल्प के पीएच वैल्यू को बिगड़ने से, पीएच वैल्यू के ऊपर बैलेंस ना रहने की वजह से ही होती हैं। उसको मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है एलोवेरा जेल। अगर हमारी स्कैल्प का पीएच वैल्यू ही ठीक नहीं होगा तो हमारे हेयर से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती हैं। अगर हमारा पीएच वैल्यू अच्छा होगा तो हमारा स्कैल्प भी अच्छा होगा। पीएच वैल्यू का मतलब भी समझ लीजिए आपकी एक हेल्दी स्कैल्प होना। अगर वो हेल्दी स्कैल्प होगी तो आपकी प्रॉब्लम्स भी कम होंगी। अगर हमारा पीएच वैल्यू ख़राब हो जाता है तो उसी की वजह से हेयर फॉल एंड ऑल इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। इची स्कैल्प, इचीनेस, हमारे स्कैल्प में जितनी ज़्यादा इचीनेस होगी उतने ही हेयर इश्यूज बढ़ जाएंगे। इचीनेस को भी काफ़ी हद तक दूर करता है। आप खाली एलोवेरा जेल की कुछ ड्रॉप्स लेकर अपने स्कैल्प पर रब करके उसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। प्रोवाइड शाइन, शाइन भी प्रोवाइड करता है ये, हमारे बालों को भी शाइन प्रोवाइड करता है और हमारे स्कैल्प को तो हेल्दी बनाता ही है। पॉल्यूटेंट्स, पॉल्यूशन, दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, अगर ये पॉल्यूशन हमारे बालों को अफेक्ट करता है तो वो हमारे बालों को ख़राब कर रहा है, तो हम उसको काफ़ी ज़्यादा हद तक रोक सकते हैं एलोवेरा जेल लगाकर। आप अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग एलोवेरा जेल की एक लेयर बनाकर छोड़ सकते हैं। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो इसकी कुछ ड्रॉप्स लेकर अपने बालों की लेंथ पे लगा लीजिए, उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। ये पॉल्यूशन से काफ़ी हद तक रफनेस को भी कम करेगा, फ्रीजीनेस भी नहीं आएगी। कंडीशनर्स, अब एलोवेरा जेल कंडीशनर्स के रूप में भी काफ़ी ज़्यादा हद तक यूज़ करा जाता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एलोवेरा जेल को कैसा कंडीशनर बनाकर यूज़ करना चाहते हैं। अगर आप डीप क्लीन कंडीशनर यूज़ बनाना चाहते हैं, डीप क्लीन हेयर कंडीशनर बनाना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस बहुत आसान होता है। ऑलिव ऑयल में एलोवेरा जेल को ऐड कर लीजिए, दोनों का बहुत अच्छा सोल्यूशन बनाकर आप उसको अपने स्कैल्प पे अप्लाई कर सकते हैं और उसको पूरी रात ऐसे ही छोड़ सकते हैं, सुबह आप उसको धो सकते हैं। डीप क्लीन कंडीशनर बनाने का प्रोसेस यही था। नेचुरल हेयर कंडीशनर, नेचुरल हेयर कंडीशनर का तो कुछ भी नहीं करना होता, हमें एलोवेरा जेल लीजिए, आप उसको लगाते जाइए और साथ में साथ कॉम करते रहिए। आप एलोवेरा जेल की लेयर लगाते रहिए और फिर कॉम करते रहिए, या आप अपने हेयर की लेंथ के अकॉर्डिंग इसको अप्लाई कर सकते हैं आराम से। लिव इन कंडीशनर, लिव इन कंडीशनर बनाने का भी बहुत आसान तरीका है। आप पानी में एलोवेरा जेल को ऐड कर लीजिए, दोनों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और एक स्प्रे बॉटल में इसको कैरी कर लीजिए। स्प्रे बॉटल को जब भी आप लगाएं, जब स्प्रे बॉटल को थोड़ा हिला लीजिएगा और लगाने से पहले आप बालों को बहुत अच्छे से कॉम कर लीजिएगा, फिर स्प्रे कर लीजिए अपने अपने बालों पे या अपने स्कैल्प पे भी इसको स्प्रे कर सकते हैं और फिर कॉम कर लीजिए, फिर इजी टू रेडी, आप कहीं पे भी जा सकते हैं इसको लगाकर।
एलोवेरा जेल फंगल इन्फेक्शन से फाइट करने में काफी ज्यादा मदद करता है। हमारे स्कैल्प में जितना ज्यादा फंगल इन्फेक्शन होगा, हमारे हेल्थ उतने ही हाइजेनिक नहीं रहेंगे और ग्रोथ तो पॉसिबल है ही नहीं। उन्हें हेल्दी हेयर नहीं कहा जाएगा अगर हमारे स्कैल्प में फंगल इन्फेक्शन रहेगा। तो अगर आप एलोवेरा जेल को अपने हेयर के किसी भी प्रोसेस में ऐड करते हैं तो फंगल इन्फेक्शन से भी काफ़ी ज़्यादा हद तक फाइट करता है ये हमारी। आई होप आपको मेरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर इसमें आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सुनने को मिली है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आप लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। थैंक यू, बाय गाइज़।